प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोरोना से निपटने के दौरान ढिलाई बरतने को लेकर चेताया भी। इसके साथ ही कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों को जारी रखने का सभी से आह्वान किया। पीएमओ के मुताबिक भारत में 3 वैक्सीन विकसित होने की कगार पर है, जिनमें से 2 वैक्सीन फेज 2 और 1 वैक्सीन फेज 3 में है। पीएमओ ने आगे ये भी बताया कि कोविड 19 वायरस जीनोम पर 2 अखिल भारतीय अध्ययनों से पता चला है कि वायरस सामान्य रूप से स्थिर है, इसमें अब कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। पीएम मोदी के साथ समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर एक व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द पूरे देश में कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा सके। पीएम मोदी ने जोर देकर इस बात को कहा कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन सुचारू रूप से होना चाहिए, ताकि वो सभी को मिल पाए। इससे पहले पीएम मोदी ने बैठक में कोरोना केस और वृद्धि दर में लगातार गिरावट को भी नोट किया। पीएम मोदी के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पीएमओ और भारत सरकार के अन्य विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।